हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये मेरा जो है ज्वेलरी कलेक्शन है, और ये सेपरेट है जो इयररिंग्स हैं और लाइट वेटेड जो नेकलेस सेट है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और फुल जो सेट है वो मैं अलग बॉक्स में रखी हूँ। अभी वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहला मैं आप लोगों से ये नेकलेस सेट शेयर कर रही हूँ। ये गोल्ड का है, इसमें कुछ मैंने गोल्ड भी कलेक्शन ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ मैं गोल्ड कलेक्शन नहीं रखती। जो भी है मैं इसमें आप लोगों को ऐड करके दिखा दूँगी। तो ये गोल्ड कलेक्शन है, गोल्ड नेकलेस है, और उसके ये इयररिंग्स हैं, और ये पर्ल, उसमें पर्ल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये निकाल के दिखाती हूँ। तो इसमें पर्ल लगे हुए हैं और मोती से जो काम हुआ है, और इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं, और मुझे स्टोन और पर्ल का जो काम होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। और ये उसके इयररिंग्स हैं, और ये फ्लावर के शेप में है, और दूसरा ये भी पर्ल वाला है, और डेली वेयर के जैसे डेली आप अपने गले में कुछ डालते हैं तो ये उसमें है, और ये इसमें मोती लगे हुए हैं, और उसका इयररिंग ये है, एकदम लाइट सा पेंडेंट सेट है। एक और ये ग्रीन जो है मूंगा का सेट है, ये मूंगा मोती का सेट है, और इसमें भी स्टोन लगे हुए हैं। और ये मेरा जो है काफ़ी साल पुराना सेट है, ये आई थिंक 8 ईयर्स ओल्ड ये सेट है, और इसके इयररिंग ये हैं। और ये सेट मुझे बहुत पसंद है, और इतना पुराना हो गया, उसकी थोड़ी जो है मोती थोड़ा सा डल हो गई है, लेकिन मैं फिर भी इसे रखी हुई हूँ। और यहाँ जितने भी कलेक्शन हैं सब लेटेस्ट नहीं हैं, सब काफ़ी पुराने हैं, मैं जो अपने पास रखी रहती हूँ और कहीं मतलब चेंज करके पहनती रहती हूँ, ये वो कलेक्शन है। तो ये पर्ल वाले जो है ये भी पुराना है, और ये वाला अभी 1 साल पुराना है, ये स्टोन वाले। और ये झुमका है, और ये बहुत लाइट वेटेड जो है इयररिंग है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ज्वेलरशिक से। तो ये गोल्ड में है, और ये मुझे इतना लाइट वेट था तो मैंने 2 ऑर्डर किया, और मुझे ये बहुत पसंद भी आया था। इसे आप कुर्तीज़ पे और किसी भी उस पर पहन सकते हैं, ये गाउन पे भी पहन सकते हैं, और पार्टी, ये मोस्टली पार्टी वेयर जो है आप पार्टी में कैरी कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। और ये एक पेंडेंट सेट है, और ये मैंने सेपरेट लिया था, और इससे मैच करके इस इयररिंग से। तो लेकिन ये भी काफ़ी ओल्ड है और मुझे बहुत पसंद है। और एक ये भी सेट है, पेंडेंट सेट था जो है, मैंने इसमें सेपरेट मोती लगाया है, और ये आई थिंक 3 ईयर्स ओल्ड है, और इसका जो है इयररिंग्स मुझसे टूट गया है, तो इसलिए वो मैंने मतलब निकाल दिया है, और उस पर पेंडेंट मैंने रखा है। और ये इयररिंग भी मेरा फेवरेट है, ये मुझे कुर्ती वगैरह पे और लॉन्ग ड्रेस पे मैं इसे कैरी करती हूँ। और ये मैंने बेसिक से लिया है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, और इसका पैटर्न मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा लॉन्ग में है। और ये ऑरेंज वाला जो है ये मैंने इंडिया से लिया था, और ये बाकी जो मैंने आपको दिखाए हैं वो कुछ इंडिया के हैं और कुछ सऊदी के, मोस्टली इसमें सऊदी के हैं। तो ये ऑरेंज वाला मैंने इंडिया से लिया था 400 में, और इसमें मैचिंग, एक्चुअली मैचिंग सूट था तो मैंने उसमें लिया था। और ये डेली वेयर की बाली है, और ये सारे मैंने सऊदी से लिए हैं। और ये सबसे लास्ट में जो है ये मैंने बेसिक से लिया था,
जो कि बहुत अच्छा कलर है इसका, पीच है और इसमें आपको गोल्डन दिख रहा है, ये पीच कलर है और बीच में ये स्टोन्स लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा लगता है। लाइट से हल्के से सूट पे आप पहन के कहीं भी जा सकते हैं। और ये सारे जो हैं नेकलेस के, लाइट नेकलेस के सेट्स हैं। और ये इन बॉक्सों में जो है मैंने जो फुल सेट रखे हुए हैं, लाइक ब्रेसलेट, रिंग, इयररिंग एंड नेकलेस का सेट जो होता है। तो ये मेरा डीआईवाई बॉक्स है, मैंने प्लास्टिक के जो ब्राइडल सेट के बॉक्स आते हैं उस पे मैंने डीआईवाई किया है और इसे इस लुक में मैंने चेंज कर दिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मेरे कुछ ब्रेसलेट्स हैं और ये मैं जेनेद्रिया से ख़रीदी थी, ये ब्रेसलेट नहीं, ये हेड पे यहाँ सऊदी में पहनते हैं। तो ये मैं जब जेनेद्रिया गई थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था और ये मैं उसी टाइम लगाई थी और फिर उसके बाद मैंने इसे यूज़ नहीं किया। ये लगाने पे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने जेनेद्रिया वाले जो ब्लॉग में जो ब्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैं वेयर की हूँ ये। और ये भी ब्रेसलेट है, मैंने बेसिक से लिया था, ये काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पे, मैचिंग ड्रेस है। और ये भी मैंने जेनेदरिया से लिया था, वहाँ जो स्टॉल्स लगती है, जो शॉप वगैरह लगती है, तो ये मैंने वहाँ से लिया था, आई थिंक 15 रियाल में। और बाकी जितने भी ये हैं मैंने सब जेनेदरिया ही से लिया था। और ये एक रिंग का सेट है जिसमें रिंग भी है और छोटे छोटे टॉप्स हैं, ये भी बहुत प्यारा है। और इसमें कुछ ब्रेसलेट्स हैं और कुछ रिंग्स हैं, तो ये भी मैंने इसमें से काफ़ी नेकलेस और चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की हैं, इसमें जो भी सामान है कुछ बिल्कुल नया है। तो ये तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मैं ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी कैरी बना है और ये दो उसमें चेन में है, एक गोल्ड में, सिल्वर में और ब्लैक में है। और ये भी एक प्यारा सा है, मुझे ये बहुत पसंद है, ब्लैक स्टोन लगे हुए हैं और वाइट, तो ये भी बहुत अच्छा सा है। और ये ब्लू में है, ब्लू स्टोन है और ये वाइट है, गोल्ड है। और इसमें मैंने सिर्फ इसकी रिंग यूज़ की है और एक ये नाजुक सा है, प्यारा सा है ये भी। और ये हल्के से सूट पे अच्छा लगता है, ये भी चौकर है और इसे मैंने एक बार बस वेयर किया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है, गले पे जाके बहुत एकदम फिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता लेकिन जो है गले पे एकदम बहुत सूट करता है, बहुत प्यारा लगता है ये। और ये 3 लेयर सेट है, नेकलेस है 3 लेयर वाला, इसे मैं अभी आपको ओपन करके कुछ देर में दिखाऊंगी। और एक ये है 2 लेयर वाला नेकलेस और इसका ये रिंग है, इसमें रिंग नहीं है, इसमें 2 लेयर चेन है और इयर रिंग है, ये भी काफ़ी प्यारा है। और ये थोड़े से लॉन्ग है, ये भी बहुत प्यारे सेट है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये गोल्ड का, गोल्ड प्लेटेड सेट है और इसमें नेकलेस है और रिंग है, ब्रेसलेट है और इयर रिंग है। और ये साड़ी वगैरह पे वेयर करने पे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है उसके 2 इयर रिंग्स है और एक ब्रेसलेट है और एक रिंग है। और ऐसे ही एक और जो है नेकलेस है, इसमें भी ये सेट वाले हैं, ब्रेसलेट, इयर रिंग एंड रिंग,
और ये भी बहुत प्यारा सा है। इसे भी आप साड़ी पे, सूट पे और लहंगा पे, लहंगे पे और गरारे पे भी वेयर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। और इसके भी जो आप इसके जो चेन है, आप इसे छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल है ये। और एक ये भी है, इसे भी आप सूट पे भी वेयर कर सकते हैं, साड़ी पे और लहंगा गरारा सब पे आप वेयर कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है नेकलेस, और ये मुझे बहुत पसंद है। इस पे जो है बीच में जो है छोटी छोटी बटरफ्लाई बनी है, जो है स्टोन्स लगे हैं, और इसकी चेन भी एडजस्टेबल है, और उसकी रिंग बहुत ही अच्छी डिज़ाइन में है। मैं आपको भी वेयर करके दिखाती हूँ, पहन के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और उसके साथ एक ब्रेसलेट भी है। और ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा है इसका। और एक ये भी जो है नेकलेस है वैसे ही है, और इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, और इसमें बीच में जो है डिज़ाइन बनी हुई है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें भी सेम ऐसे ब्रेसलेट है और इयर रिंग्स है और रिंग है, और ये सब जो इस पैटर्न में है, इस स्टाइल में है, ये सब मैंने जॉली चिक से ऑर्डर किया है ऑनलाइन। और ये भी मैंने जॉली चिक से ऑर्डर किया है। ये इसमें जो है ब्रेसलेट और रिंग नहीं है, इसमें सिर्फ जो है इयर रिंग है और पेंडेंट, सॉरी नेकलेस सेट है, और पर्ल लगे हैं, स्टोन्स लगे हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है। और ये सब मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए हैं, और जो है ये सब मुझे ऑनलाइन 11 रियाल, 14 रियाल, 18 रियाल ऐसे ही मिले हैं मुझे। और जो है मुझे ये सब बहुत पसंद है, और इसमें से भी अभी मैंने कोई भी वेयर नहीं किया है। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये लाइट सा है, बहुत लाइट वेट है, और सूट पे भी आप पहन सकते हैं, किसी भी उस पे पहन सकते हैं, ये सारे सूट पे पहनने वाले हैं। और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, इसकी मैंने रिंग यूज़ की है, और इसमें रिंग नहीं है, ये विदाउट रिंग है, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये 3 लेयर वाला है सेट, और अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्यारा है, और 3 लेयर में है ये। ये आप गाउन पे पहन सकते हैं, और आप इसे साड़ी में भी वेयर कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं अपने बैंगल्स के तरफ और रिंग्स की तरफ। तो ये रिंग मैंने, ये सारे रिंग मैंने यहीं से ली है, और कुछ गोल्ड और कुछ आर्टिफिशियल मैं मिला के पहनती हूँ। तो मैं यहाँ बहुत कम ही गोल्ड की जो है रिंग वगैरह रखी हूँ, और कुछ मैं रखी भी हूँ जो कि मैं आर्टिफिशियल के साथ मिला के पहनती हूँ। जैसे ये रिंग है, ये रिंग मुझे बहुत पसंद है, इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो तीन कुछ रिंग ऐसी है जो मैं अपने साथ रखती हूँ अपने पास, और हमेशा पहनती हूँ। ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये उस सेट की रिंग है, और ये भी पहनने में बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हैं
ये तीनों स्टोन्स की है, और स्टोन्स और पर्ल मुझे बहुत पसंद है। मुझे गोल्ड से ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और पहनने में भी अच्छी लगती है, मैचिंग होती है। और ये एक ब्रेसलेट है, और ये मैंने मैक्स से लिया था, और मैक्स की भी ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी होती है। मैक्स, सेंटर पॉइंट और रेडटेक से भी मैंने कई बार ज्वेलरी ली है, तो मुझे मैक्स की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत दिनों तक वैसे ही बनी रहती हैं, उनकी पॉलिश वगैरह नहीं उतरती है। ये बैंगल भी मैंने मैक्स से लिया था, और ये बैंगल मुझे 1 ईयर हो जाएगा मुझे इस बैंगल को लिए हुए और पहने हुए। मैंने इसे कई बार पहना भी है, और इसकी पॉलिश, इसकी शाइनिंग कुछ भी नहीं गई है, बिल्कुल एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं ये जिग जैग पैटर्न में है। और अब वॉच में आ जाते हैं, वॉचेस में तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा वॉच के कलेक्शन नहीं रखी हूँ, बस 2-3 ही रखी हूँ, और मेरे सारे कलेक्शन वॉच के इंडिया में हैं। और वो जो है कुछ शादी वगैरह में भी जो मिले थे, और अच्छी ब्रांड के जो है सारे मेरे इंडिया में रखी हुई हूँ, और यहाँ पे मैं बस 2-3 ही रखी हूँ, और वो चेंज करके मैं पहनती हूँ। ये मुझे स्टोन वाले बहुत पसंद हैं, इस टाइप के मेरे पास काफ़ी हैं, कुछ इंडिया में भी हैं, कुछ यहाँ पे हैं, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। जब मैं पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो इस टाइप के वॉच हाथ में पहन लेती हूँ। ये मैं तो डेली पहनती हूँ, जब भी शॉपिंग वगैरह में जाती हूँ तो ये वॉच मैं पहनती हूँ। ये मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था, और इस बैग में मैं अपने रबर बैंड और हेयर एक्सेसरीज रखती हूँ। ये सारे क्लचर हैं, ये मैंने डाइसो जापान से लिया था, और अभी न्यू है, मैंने इसे यूज़ नहीं किया है बिल्कुल। और ये मेरे क्लचर हैं, और ये मैंने मैक से लिया था, और ये मेरे लेंस है जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं किए। तो कुछ आइटम इसी में पड़े हुए हैं ऐसे। तो जब मैं आपको सारी अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको गोल्ड की भी कुछ ज्वेलरी जो मेरे पास बैंगल्स पड़ी हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बैंगल है, और मैंने इसे सऊदी के मलक से लिया है, और ये देखिए ये पहनने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मेरी गोल्ड के बैंगल्स हैं, और ये मैंने मलक से लिया है, मलक गोल्ड एंड डायमंड्स। तो गाइज़ ये थे मेरे कुछ लिमिटेड से ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में नहीं है, और जो है वो मैं लिमिटेड रखी हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे पार्टी वगैरह में बहुत कम ही जाना होता है। जाती हूँ लेकिन इतना नहीं जाती जितना कि मैं इंडिया में जाती हूँ। तो इंडिया में मेरे कलेक्शन ज़्यादा हैं, यहाँ उतने हैं नहीं, और जो है वो बहुत ही लिमिटेड हैं। और ये कलेक्शन जो है आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।